और बच्चा लो कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों करवा चौथ आ रही है, ऐसे में मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक और समाधान जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो। वो क्या है चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं। हम लेडीज के लिए अगर बाल अच्छे से सेट हो गए तो उसके बाद ज़्यादा तैयार होने में टाइम नहीं लगता। क्यों ना ये छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करें और बढ़िया से अपनी हेयर स्टाइल को बना लें। ये देखिए, ये पहली स्टाइल को देखिए और मेरे सुनने से ज़्यादा अच्छा आप सामने देखेंगे ना तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। इसके दो पार्ट करने, दोनों साइड चोटियाँ बनानी है। किस तरीके से बनानी है ये देख लीजिए। थोड़े थोड़े बाल लेते हुए इस तरीके से चोटियाँ बनानी है। इसमें से कुछ स्टाइल तो ऐसी हैं कि सिर्फ खुद ही आप अपने बालों को बना सकते हो और कुछ में आप किसी की हेल्प ले सकते हो। थोड़े थोड़े बाल उठाते हुए इसी तरीके से आप चोटी बना लीजिए। ये देखा आपने, बस इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी बना लीजिए। जब दोनों चोटियाँ बन जाएं उसी रबर बैंड के अंदर इन बालों को डाल दीजिए और ऊपर करके इसे टक कर लीजिए। लीजिए जूड़े पिन से सेट करने के बाद कोई भी बैक पिन लगा लीजिए। है ना बड़ी सुंदर सी हेयर स्टाइल जो कि मिनटों में बनने वाली है। चलिए ये तो बहुत ही सरल है। ये हेयर बैंड है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे पूरे बालों के अंदर डालिए। इसी हेयर बैंड से आप दो टाइप के जूड़े बना सकते हो जो कि साड़ी के ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं। जब आप कुछ नहीं कर पाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल है। इसे नीचे तक लेकर जाइए और फोल्ड करते जाइए। इसका दूसरा भी स्टाइल मैं अभी आपको बताऊंगी। इस टाइप की हेयर स्टाइल मैं अपने लिए हमेशा साड़ी के साथ बनाती हूँ। ये मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए लग रहा ना सुंदर। कोई भी क्लचर, कोई भी बैक पिन आप लगाइए और ये अटैच कर दीजिए। मेरे साथ शुरू से ही ऐसा ही होता था। जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत छोटी सी थी, उस टाइम कोई पार्लर भी नहीं थे, मैं तो खुद ही अपने बाल बनाती थी। ये दो फिंगर लेके इसे रोल करते करते पीछे जूड़े बनाती थी। उस टाइम तो कोई भी हमारे पास एक्सेसरी भी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत अच्छी एक्सेसरी मिलने लगी है। एक बार खर्चा करोगे बार बार उन्हें यूज़ करोगे। चलिए इसी से ही एक और स्टाइल बताती हूँ। पहले हमने बालों को नीचे लिया था, अब हम बालों को ऊपर की तरफ रोल कर रहे हैं। इसको नीचे की तरफ टक कीजिए और जूड़े पिन से आप इसे पहले टाइट कर दीजिए। अब कोई वेणी या गजरा इस पर लगा लीजिए। ये भी साड़ी पर बहुत सुंदर स्टाइल लगती है। सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर है। ये तो सबसे सरल हेयर स्टाइल है। आपको क्या करना है, अपने बालों में या तो रबर बैंड लगाना है या बिना रबर बैंड लगाए एक जूड़ी बांध देनी है। जूड़ी आपकी यूं ही टिक जाती है तब तो बेस्ट है, नहीं टिकती है तो आप थोड़ी सी जूड़ी पिन लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए कमाल कितना सुंदर सा ये है मेरे पास। ये अक्सर मार्केट में मिलता होगा, आपने देखा होगा। ये बालों का जूड़े को एक अच्छा सा लुक दे देता है, एक फंकी सा लुक देता है। ऐसे लगता है कि आपने अपने बालों को बड़ी सुंदरता से सजाया है। बस इसमें गुलाब के कोई भी आप फ्लावर लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है ना बालों का। सबसे अच्छी मेरी पसंदीदा हेयर स्टाइल ये है। ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना। बालों में रबर बैंड लगा लीजिए, कस लीजिए, बालों को थोड़ा ऊपर कीजिए। एक कोम वाला बैक पिन लेना है आपको। इसे इस तरीके से डालते हुए टर्न कर लीजिए। यस, अब यहाँ पर बालों को नीचे कर दीजिए। ये स्टाइल बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर आप जहाँ बैक पिन लगाइए छोटी छोटी पिंस लगाइए जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। नीचे भी जूड़ी पिन से आप अटैच कर दीजिए। बाल छोटे हैं बड़े हैं तब भी आपकी ये हेयर स्टाइल आराम से बन जाएगी। ये देखिए बहुत सुंदर लगती है ये। मुझे ये स्टाइल सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही सुंदर शानदार सी स्टाइल। अब बनाएंगे फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट मैं जब बनाती हूँ तब मैं किसी की भी हेल्प जरूर लेती हूँ, मैं अकेले में नहीं बना पाती हूँ।
फ्रेंच नॉट बनाने के लिए मैंने साइड से थोड़े बाल छोड़ दिए हैं। इसको नॉट बनाने के बाद जब पिनअप कर दिया है तो ये इसके बाल जो साइड से मैंने छोड़े थे इसके ऊपर डालने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। अब इसके ऊपर भी पिंस लगा लीजिए। ये सारी हेयर स्टाइल साड़ी पर, लहंगे पर बहुत ही सुंदर लगती है। बाल पैक भी रहते हैं और बिखरते नहीं है और हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर भी मैंने पर्ल वाला ब्रॉच लगाया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब चलते हैं एक लास्ट वाली मैं हेयर स्टाइल आपको बताऊंगी जो कि सबसे आसान है। बस आपको करना क्या है, अपने बालों को पैक करना है किसी भी तरीके से, चाहे जूड़ा बना के या इसी तरीके से रबर बैंड लगा के। अब आपको इस टाइप के मार्केट में बैक पिन मिल जाते हैं जो कि स्टाइलिश होते हैं। बस आपको बैक पिन लगा देना है। अगर आपको कुछ सुंदरता के लिए कुछ पिंस लगानी है वो लगा दीजिए, बन गए आपके बाल। अब जब एक बार बाल सुंदर से बन जाते हैं, हमारे संवर जाते हैं, फिर तैयार होने में टाइम ही नहीं लगता। फिर जब भी आप तैयार होते हैं तो सभी पूछते हैं कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और अपनी करवा चौथ को बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए।